नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर आप ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो उससे जुड़ी क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसे भी आपको जानना चाहिए। तो चलिए जानिए हमारे डॉक्टर से। ट्रेडमिल पर जो दौड़ना है वो नॉर्मल दौड़ने से बहुत भिन्न होता है, बहुत डिफरेंट होता है। जब हम ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं तो हमको मशीन की स्पीड के साथ मैच करना होता है, तो इस वजह से जो कॉन्टेक्ट होता है नी जॉइंट की सर्फिसेज का, वो एक पॉइंट कॉन्टेक्ट बनता है बार बार। वो पॉइंट कॉन्टेक्ट एक ही माइक्रो एरिया पर बनने की वजह से उस एरिया का कार्टिलेज अंडर स्ट्रेन होता है और डैमेज होता है। जो लोग बार बार ट्रेडमिल पर काफ़ी लंबे समय तक दौड़ते हैं उनको ये समस्या डेफिनेटली कुछ समय के बाद होती है। अक्सर करके ये पेशेंट्स जिनका नी ससेप्टिबल है, स्पेशली ये क्लास, इनका नी आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है और अक्सर ये नी पेन प्रेजेंट करता है ट्रेडमिल शुरू करने के करीब 2 साल के बाद। जिस समय एक बार ये पेन शुरू हो जाता है, इन पर्टिकुलर पेशेंट को चाहिए कि वो रेस्ट करें और डॉक्टर से बात करके उसका सही सलाह लेकर उसको फॉलो करें। मेन इलाज जो है वो होना चाहिए एक्सरसाइजेस, वज़न कंट्रोल और प्रिकॉशंस। इसके साथ साथ एक्यूट स्टेज में कुछ ना कुछ पेन की दवाइयाँ जो कि इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग भी कम करती हैं और लोकल ऑइंटमेंट एप्लीकेशन। उसके बाद जब ये पेन ख़त्म हो जाए तो इन पेशेंट्स को नॉर्मल वॉकिंग शुरू करना चाहिए। और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से आज जानिए कि